हिंदी में बात लिखी जाती है, कभी हमारे सनातन धर्म की कहीं बात चलती है तो कोई तुलसी विवाह की बात चलती है, तो हम ये बता सकते हैं कि हमने इतनी बार बारात गए हैं, ये हमें बारात जाने का सौभाग्य प्राप्त हमारे गुगवाल के लोगों को है। और गुगवाल के लोग जहाँ से नरसिंह भगवान के ये के साथ चलते हैं, और बाकी जो गांव में जो तुलसी वाले जहाँ तुलसी की शादी करती है वो अपने आप को लड़की वाले समझते हैं, तो उन्होंने पूरी विधि के साथ जहाँ सगन लेके आए थे, ठाका दिया था, और आज पूरी विधि से जहाँ बारात जाएगी वहाँ स्वागत होगा, लगन फेरे होंगे सुबह होंगे, वहाँ बारात ठहरेगी, साधु जाएंगे, उनको साधुओं को अच्छे तरीके से जो हमारी परंपरा रही है उसी तरीके से नीचे बिठा के उनको उनका बंदोबस्त किया है, वो कह रहे उन्होंने किया है, तो उसी तरीके से एक अच्छे तरीके से हमें देखने को मिलेगा। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हम उनको साथ लेके चल रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं, उनको दिखाएंगे हम कि तुलसी विवाह कैसे होता है, जो हमारी परंपरा रही है, ताकि हमारे बाद भी अगर आने वाली सदियों में ये तो कार्यक्रम चलते रहेंगे तो बच्चे हमसे सीखेंगे, और ये हमारी जो कहानियां हैं लोग हमें लोगों को बताएंगे, तो हम बड़ा सौभाग्य अपने आप को बड़े गर्वित महसूस करते हैं, अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमारा जन्म जो नरसिंह नगरी में हुआ है। तो हमें ये बार बार मौके मिलते हैं, जब हमें रथ खड़े का मेला होता है तब हम स्वागत जहाँ लोगों का करने का मौका मिलता है, जन्माष्टमी होती है तब हमें लोगों का स्वागत करने का मौका मिलता है, नरसिंह जयंती होती है तब हमें जहाँ लोगों का स्वागत करने का मौका मिलता है। तो वो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं मैं उनका भी सौभाग्य जहाँ समझता हूँ कि जो उनको नरसिंह भगवान की नगरी में जिनकी ड्यूटी लगती है तो वो अच्छे तरीके से जो कार्य करते हैं, लगन से जो कार्य करते हैं, उनकी भी दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की होती है। तो हमारे DC सांबा है वो भी हमारे बीच आज शामिल होने जा रहे हैं, SSP सांबा वो हमारे बीच शामिल होने जा रहे हैं, हमारे तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, वो SDM गुगवाल है, सभी लोग बारात में शामिल हो गए और एक अच्छे तरीके से बाजार से होते हुए जाएंगे। और हीरानगर तहसील में हमने जाना है तो हीरानगर तहसील वालों ने हमारी जगह जगह स्वागत के लिए बंदोबस्त किया है, तो मैं सभी से यही अपील करूँगा एक अमन तरीके से और शांति से और जय घोष लगाते हुए हम सब लोग जाएंगे, तो बड़ा नज़ारा है और सारे लोग खुश हैं। देखिए आज देव प्रबोधिनी एकादशी है, इसी दिन जो भगवान विष्णु हैं ऐसा कहा जाता है कि अपनी योग निद्रा से जागते हैं, और आज ही के दिन पे तुलसी का विवाह जो है वो मनाया जाता है। ये पूरा भारतीय परंपरा में भगवान विष्णु और जो उसको शालिग्राम के रूप में पूजते हैं और तुलसी के रूप में पूजा जाता है और उनका विवाह आज किया जाता है। ऐतिहासिक नगरी गढ़वाल के जो आज नरसिंह देव मंदिर है, मंदिर का ट्रस्ट का पदाधिकारी होने के नाते आज हमको यहाँ पे उपस्थित होने का मौका मिला, और एक सिम्बॉलिक यहाँ से जो बारात है वर यात्रा वो यहाँ से निकाली गई, जिसके बाद भगवान विष्णु का विवाह संपन्न किया जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे तुलसी विवाह का जो आयोजन है एक वर्षों पुराना आयोजन इस बार भी धूमधाम से हो रहा है और काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हमें भी यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितना सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि आज आप यहाँ पर तुलसी विवाह के अवसर पर यहाँ पर बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं।